ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 17 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सारे कर लिए थे। हमने ये क्वेश्चन भी कर लिए थे। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट मेंस में जिसके अंदर ये एक वायर लगा देता है जिसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, शॉर्ट सर्किट जिसे बोलते हैं। तो ये तो आपको पता ही है पैरेलल है और ये एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दी। अब ये एक वायर जब यहाँ कनेक्ट की तो इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल वी है तो यहाँ का पोटेंशियल भी वी है। पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स में जीरो है तो इसलिए ये कैपेसिटर में चार्ज नहीं आ सकता। तो जिस वजह से इन कैपेसिटर को लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा, ये तीनों किस में कनेक्ट हो जाएंगे, इन पैरेलल। ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने किया ही था कॉम्बिनेशन, इनको छोड़ देना है और जो आंसर आएगा 4 के साथ किस में कनेक्ट हो जाएगा, इन सीरीज। ये पूरा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जैसे हम सिखाते हैं, अभी करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी में, अगर दो रेजिस्टेंसेज हैं, ठीक है, अगर कोई रेजिस्टेंस है जैसे ये पैरेलल में और ये सीरीज में है, मान लो ये 10 ओम है, ये 5 ओम है और ये 15 ओम है। मान लो कोई करंट आई करंट जब इस जंक्शन की तरफ आएगा, हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे कुछ करंट ऊपर जाएगा और कुछ करंट नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, चला गया। तो कुछ करंट ऊपर कुछ करंट नीचे गया। अब किस में ज्यादा करंट जाएगा, 5 ओम में या 15 ओम में? 5 में ज्यादा जाएगा। ऐसा क्यों? रेजिस्टेंस कम है और वैसे भी आपने इतना तो पढ़ा होगा V सेम रहता है, V इज इक्वल टू आई आर। अगर R बड़ा होगा तो I कम हो जाएगा, R छोटा होगा I बढ़ जाएगा। यानी कि करंट वहाँ रास्ता चूज करता है, अगर उसको फैसला करना हो, जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ ज़्यादा करंट भेजता है। तो अब सोचो अगर मैं इसको 5 ओम की जगह सिर्फ 1 ओम कर दूँ, अब और ज़्यादा करंट इसमें जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। अगर मैं 0.5 कर दूं तो और ज़्यादा करंट इसमें जाएगा, इसमें और कम हो जाएगा। और अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस को ख़त्म ही कर दूं, ख़त्म करने का मतलब नो रेजिस्टेंस, अब करंट क्या करेगा, सारा का सारा करंट ऊपर से निकल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि कितना फ़ायदा हो गया करंट को, वो रास्ता उसको मिल गया जहाँ पर रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो सारा का सारा करंट ऊपर से निकल जाएगा, यहाँ जाएगा ही नहीं। तो हम बोलेंगे 15 ओम को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो इसको रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें से करंट ने जाना ही नहीं है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें भी लगता है। एक और तरीका है, ये सिविल इंजीनियरिंग में भी यूज होते हैं, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जाना बड़ा मुश्किल है, तो कहते हैं रिंग रोड निकाल देंगे, बाईपास कर देंगे। ये बाईपास क्या है, यही तो है, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, एक ऐसा रास्ता बनाएंगे जहाँ रेजिस्टेंस है ही नहीं, बिल्कुल कोई ट्रैफिक जाम नहीं, बड़ा हाईवे बनाएंगे, सारा का सारा ट्रैफिक जो उस शहर के अंदर नहीं जाना चाहता, रेजिस्टेंस नहीं लेना चाहता, वो बाहर से निकल जाएगा। सेम है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको एक कैपेसिटर गिवन है, इस कैपेसिटर के साथ एक स्प्रिंग गिवन है और ये कैपेसिटर बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं है, इनके बीच में प्लेट्स में सेपरेशन डी है, तो इसमें डी सेपरेशन है और ये बैटरी है जिसकी ईएमएफ ई है। अब ये स्प्रिंग नेचुरल पोजीशन पे है, नेचुरल लेंथ पे है, ना ये खिंचा हुआ है ना ये दबा हुआ है। क्या हुआ, इसमें गलती से यहाँ बन गया, ये हुआ क्या, आपने बैटरी को ऑन कर दिया। इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो प्लेट है ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करेगी, ये मूवेबल प्लेट है, हल्की सी मूव कर सकती है। तो अगर ये मूव करेगी तो मुझे कोई बताएगा कि ये कहाँ जाएगी, लेफ्ट की राइट, जब मैं चार्ज करूंगा इसे? मैंने ऑन कर दी बैटरी, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है तो ये प्लस है तो ये माइनस है, कहाँ जाएगी, लेफ्ट की राइट? पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगी, राइट? तो जब मैंने बैटरी को ऑन किया इस पे चार्ज आ गया, ये कैपेसिटर चार्ज हो गया और ये लेफ्ट की तरफ हो गई। जब लेफ्ट हो गई वहां आके रुक गई, क्योंकि स्प्रिंग पहले ऐसे ऐसे से करेगा तो रुक जाएगा, रुकने का मतलब इक्विलिब्रियम आ गया या स्टेडी स्टेट आ गया, स्टेडी स्टेट बोलते हैं इसे। तो जब स्टेडी स्टेट आ गया तो उसने बोला स्टेडी स्टेट में
सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स 0.8 डी हो गई, यानी कि पहले ये ज़्यादा सेपरेटेड थे डी, अब ये 0.8 सेपरेटेड है। क्यों सेपरेटेड है ऐसा? क्योंकि पॉजिटिव ने नेगेटिव को क्या करना है? अट्रैक्ट, राइट। तो ये प्लेट इसके पास आ गई, कितने पास आ गई? 0.2 डी। तो ये डी है, ये 0.8 डी है, तो कितना पास आई? 0.2 डी। तो स्प्रिंग कितना एक्सपैंड हो गया? 0.2 डी। स्प्रिंग भी खिंच गया 0.2 डी, तो स्प्रिंग खिंच गया बाय 0.2 डी, राइट। क्लियर है यहां तक? अब क्या हुआ, ये प्लेट इधर आई, क्यों आई? इसके ऊपर फोर्स लगी। कितनी फोर्स लगी? क्यू ई। इस प्लेट ने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इसका चार्ज क्यू था, तो क्यू ई फोर्स लेफ्ट लगी, और स्प्रिंग की फोर्स कितनी है? के एक्स। और इक्विलिब्रियम में या स्टेडी स्टेट में क्यू इज इक्वल टू के एक्स, इक्वेट कर दिया। अब आपको निकालना क्या है? आपको इसमें स्प्रिंग कॉन्स्टेंट निकालना है क्या है? तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, एक प्लेट दूसरी प्लेट पे ई कितना लगाती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने ये नहीं पूछा इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितने है, वो तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। एक प्लेट ने अपने आसपास ई क्या लगाना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाय एरिया, पुट कर दिया। अब चार्ज की वैल्यू क्या पुट करेंगे? क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी। यहां पर वी नहीं है, यहां पर ई है, तो क्यू इज इक्वल टू सी ई। अब कैपेसिटेंस क्या पुट करेंगे? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी नहीं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय 0.8 डी, क्योंकि अब डिस्टेंस कितना हो गया? 0.8 डी। तो यहां से सॉल्व करके किया जाएगा, जो भी आएगा। मैंने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ कॉन्सेप्ट है ऐसा, क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा पता नहीं, पर आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इस टाइप की प्रॉब्लम्स में। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर दो शेल्स हैं। क्वेश्चन पढ़ लें प्लीज एक बार। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या लगेगा, व्हेन टू कंसेंट्रिक शेल्स आर कनेक्टेड बाय अ थिन कंडक्टिंग वायर, दो शेल्स हैं और वायर से कनेक्ट कर दिया, तो होल ऑफ द चार्ज ऑफ इनर शेल ट्रांसफर्स टू द आउटर शेल। वैसे हम लोगों को ये ना भी बताता, हमें तो पहले भी पता था, मैंने शॉर्टकट करवाया था, चलो बता दिया तो अच्छी बात है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल ऑन आइदर ऑफ द शेल विल बी इक्वल टू, मान लो आपने वायर से कनेक्ट कर दिया, अब आप निकाल लें कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो ऑब्वियसली सारा चार्ज कहाँ चला गया? बाहर। पोटेंशियल कहाँ निकालना है? आई तो कहीं भी निकाल दो, क्योंकि पोटेंशियल अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? सेम। तो एक काम करते हैं, पहले इस चार्ज को बाहर भेज देते हैं, फिर इसकी सरफेस से पोटेंशियल निकाल दो, यहाँ निकाल दो, यहाँ निकाल दो, आंतर सेम ही आना है। तो मैं एक काम करता हूँ,
सारे चार्ज को बाहर भेज के इसकी सरफेस से वी निकालता हूँ। चार्ज इसके ऊपर है कितना, अंदर के शेल पे, सिग्मा इंटू अंदर का शेल का एरिया, और चार्ज इस पे कितना है, माइनस सिग्मा इंटू बाहर का एरिया। तो टोटल चार्ज ये आ गया। टोटल चार्ज ये कहाँ मिलेगा आपको, बाहर के शेल पे मिलेगा। बाहर के शेल का रेडियस क्या है, टू आर। तो बाहर के शेल का पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 πε0 q/2r। क्यू की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करके आंसर आ गया, मार्क कर लेना। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे सोच रहे हैं, इसमें कोई डाउट इसमें, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ छोटा आर ग्रेटर देन 2r। तो एक काम करते हैं, पॉइंट लेते हैं स्मॉल आर ग्रेटर देन 2r। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर, अगर मैंने इन्हें वायर से नहीं कनेक्ट किया था तो E1 थी, और जब मैंने इन्हें वायर से कनेक्ट कर दिया, सारा चार्ज बाहर चला गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने है, E2। तो बिफोर कनेक्टिंग E1 है, आफ्टर कनेक्टिंग E2 है, आपको रेशियो निकालना है E1 और E2 का। इसका आंसर 1:1 है। कितने लोगों को समझ में आ गया, इसका आंसर 1:1 ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं आएगा, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि जब आप यहां पे E निकालना चाहते हैं, यू विल टेक अ गॉशियन सरफेस। गॉशियन सरफेस में आप क्या करेंगे, 4πr² = q inside अ गॉशियन सरफेस डिवाइडेड बाय। अब q inside, तो चाहे चार्ज यहां पड़ा हो यहां पड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है, q inside तो सेम ही है, तो E की वैल्यू भी दोनों में सेम ही है, इस वजह से E की रेशियो विल रिमेन सेम। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, शीट कंप्लीट होती है।